कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत समेत लगभग पूरी दुनिया भीषण संकट का सामना कर रही है। इसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे पास सही जानकारी हो और हम सावधान और जागरूक रहें। इसके साथ ही हर देश कोरोना पर काबू पाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन दिन पर दिन मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत के उत्तर प्रदेश शासन की ओर से तमाम सख्ती और एहतियात का दावा करने के बाद भी यूपी में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना जारी है। ऐसे में मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अस्पतालों में भर्ती होने के साथ साथ कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार तक। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड ऐप लॉन्च किया है। इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को रिपोर्ट पाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। अब ऐप पर लॉगिन करने भर से कोरोना मरीजों को उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी। ये ऐप OTP बेस्ड है। कोरोना मरीज को लॉगिन करने के बाद फोन पर मिले OTP को ऐप में सबमिट करना होगा, जिसके बाद कोरोना रिपोर्ट देखी जा सकेगी। इससे कोरोना रिपोर्ट को लेकर सभी तरह की जानकारी भी मिल जाएगी और जांच कराने के बाद किसी भी व्यक्ति को अस्पताल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी कि वह कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। बता दें कि इससे पहले भी इन सभी समस्याओं का हल निकालते हुए यूपी सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी। इस वेबसाइट के जरिए कोरोना जांच कराने वाला कोई भी व्यक्ति घर पर बैठे ही सिर्फ एक क्लिक में अपनी कोरोना रिपोर्ट देख सकता था। यूपी सरकार की वो वेबसाइट है labreports.upcovid19tracks.in। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास सराहनीय है और लोगों को सुविधा देने वाला भी। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,